नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल गुरु में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पब्लिक एप्लीकेशंस क्या है और आप उसे कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी पब्लिक एप्लीकेशंस को अपने फ़ोन में यूज करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्केप के स्टेप बाय स्टेप पूरा जो देखना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से पब्लिक एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों जैसे आप एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लेंगे उसमें आपको सिंपली एप्लीकेशंस को ओपन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि पब्लिक एप्लीकेशन से एक न्यूज एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन से आप अपने स्टेट की जो भी न्यूज है वो यहाँ पर देख सकते हैं, लाइव न्यूज देख सकते हैं। दोस्तों पब्लिक एप्लीकेशन से आप अपने स्टेट की जो भी अपना स्टेट है उसकी यहाँ पर न्यूज देख सकते हैं। दोस्तों जैसे पब्लिक एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर साइनअप कर लेना है अकाउंट। तो मैं यहाँ पर गूगल से यहाँ पर साइनअप कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों आप साइनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिस किसी भी आप साइनअप करना चाहते हैं साइनिंग करना चाहते हैं उसको वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे उसमें आपके सामने जो भी ईमेल आ जाएगी गूगल से करना चाहते हैं तो आपको सिंपली ईमेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे भी ईमेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसमें आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पब्लिक एप्लीकेशन आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है अपनी लोकेशन, या फिर भी आप उसकी अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल दिल्ली लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे उसमें आपको यहाँ पर कई सारे फिर से लोकेशन देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ से आपको किसी भी लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है कि आप पब्लिक एप्लीकेशंस में अपनी लैंग्वेज क्या रखना चाहते हैं। तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज रखना चाहता हूँ, सिंपली इंग्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप अगर हिंदी रखना चाहते हैं तो हिंदी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप लैंग्वेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसमें आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे आप डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे उसमें आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने एक ऐड आ जाएगी, ऐड को आपको सिंपली यहाँ से कट कर देना है। दोस्तों जैसे ही ऐड को कट कर देंगे उसमें आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसमें आपको अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे आप अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पब्लिक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। दोस्तों आपके सामने पब्लिक एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप भी पब्लिक एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।